अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मैंने नई लाइन जोड़ी है, मैंने कहा चलो अपने चैनल का ऐसे प्रमोशन कर दो। अच्छा जी, आज इनका बर्थडे, जबकि ऐसा नहीं है। आप सबको, आपको पता है कि आप सबको पता है कि अभी मेरी आगरा वाली सीरीज़ चल रही है और उसी बीच में मैं आज ये वाला व्लॉग आपको दे रही हूँ। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि आज है शब बरात। तो आप सबको, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी शब बरात। पिछली बार मैंने शब कदर बोला था, मेरी बहुत लैग फीलिंग हुई थी, सबने मुझे बहुत करेक्ट करा था। तो इस बार मैंने शब बरात ही बोला है, शब कदर नहीं बोला है, क्योंकि मुझे पता चल गया था। तो जी, नई चीज़ देखी आप लोगों ने, सी इसका भी मैं आपको। जी हाँ जी, हमारे घर में आया है नया ड्रेसिंग टेबल। नया तो नहीं है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो जो मैं आगे आपको ब्लॉग्स में बताऊंगी। बट अभी मेरा ड्रेसिंग टेबल आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। आपको एक बात बताऊँ, मेरे को ना 10 साल 11 साल की शादी हो गई है और अभी तक हमारा इतना वाला मिरर था जिसके अंदर से पहले मेरा फेस दिखता था, और मुझे तैयार होने का बहुत ज़्यादा शौक था। अभी भी है, ऐसी बात नहीं कि मुझे नहीं है। तो मैं उसी में ना अपना मेकअप करती थी, छोटे वाले शीशे में ही। 11 साल से मैं उसी में ही कर रही हूँ। मैंने 2 शीशे चेंज करे होंगे क्योंकि मैं इतना ज़्यादा वो नहीं करती। मैंने अपने आप को पूरा अपने घर पे जाके देखा करती थी। जब मैं वेल ड्रेस्ड हो जाती थी तो घर पर जाके देखा करती थी कि मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है ये वो। बाकी तो फेस तो मुझे मेरे मिरर से पता चलता था। तो 11 साल लग गए पूरा देखने के लिए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी अलमारी में जो मिरर है वो आसू जी ने लगवाया कि तुम्हें पूरा देखना है अपने आप को, तो देखो। और ये हमें गॉड गिफ्ट मिल गया। अभी उसको 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि हम, मेरे पास एक ड्रेसिंग टेबल भी आ गया। और इसके पीछे भी बहुत अच्छी स्टोरी है, मैं बताऊं तो। हमने ख़रीदा नहीं है जी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मेरी कज़न भाभी हैं, उनके यहाँ पर ये ड्रेसिंग टेबल था, तो भैया ने उन्हें गिफ्ट करा था, उनके बर्थडे गिफ्ट पे ये ड्रेसिंग टेबल गिफ्ट करा था। तो उन्हें बहुत टच था ये ड्रेसिंग टेबल उनके लिए, तो वो वुडवर्क करा रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको कहीं मतलब सेल नहीं करूँगी, मैं कुछ नहीं करूँगी, बट ये मैं ऐसे इंसान को देना चाहती हूँ बहुत, जो केयर से रखे, जो चीज़ों को केयर करता है वो। तो उन्होंने सडनली नजवा जी को बोला कि नजवा जी, मेरा ड्रेसिंग टेबल हैगा, इसका कुछ मैं बेचना नहीं चाहती, बट मैं ना किसी के घर में ऐसे रखना चाहती हूँ ताकि बहुत संभला हुआ रहे। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो मैं रानी से पूछती हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आसू जी से पूछूंगी पहले, क्योंकि भाई हस्बैंड से बिना परमिशन के हम नहीं ले सकते कोई भी चीज़। तो उन्होंने कहा ठीक है, रखवा दो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको लग रहा है तो ऐसे है रखवा दो। तो जी, इस तरीके से ये ड्रेसिंग टेबल आ गया है मेरे पास। और वो भैया भाभी इतने अच्छे हैं कि मैं उनके बताऊँ, भैया इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं मम्मा की मेरी, कि जब वो यहीं से नीचे उतरवाया उन लोगों ने, तो उन्होंने कहा था भाभी से कि नहीं रानी से पैसे मत लेने। तो भाभी भी पहले ही बोल चुकी थी कि नहीं, मैं पैसों में नहीं दूंगी, क्योंकि ये उनके लिए अनमोल था। तो उन्होंने कहा मैं बस इसको रखवा रही हूँ आपके पास, मैं इसे पैसों में नहीं दूंगी। मैंने कहा ठीक है भाभी जी, मैं पैसे नहीं दे रही आपको, आप कह लेंगे, क्योंकि भाभी हैं कहने लगे मेरी तरफ से एक गिफ्ट समझ के तुम अपने पास रख लो। तो ये मुझे गिफ्ट मिला है भाभी की तरफ से। तो वो भैया भाभी इतनी रिस्पेक्ट करते थे, तो उन्होंने मुझे ड्रेसिंग टेबल गिफ्ट कर दिया और अच्छा लगा। और मैंने पता है इसको अच्छे से सजाया भी है। चलो जी, ड्रेसिंग टेबल का टूर तो मैं आपको बाद में दूंगी, स्टोरी मैंने आपको बता दी है, टूर मैं दे दूंगी। सबसे पहले तो शब बरात बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। और आज हमने कुछ खास ऐसा नहीं करा, क्योंकि मेरी तबीयत, आप मेरा फेस देख सकते होंगे, मेरा बीपी जो है ना वो बहुत लो हो रहा है। मैं उठ रही हूँ, काम करने की कोशिश कर रही हूँ, बट इतना ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ। और आई एम सो सॉरी, मेरी सीरीज़ के बीच में ये व्लॉग आ रहा है। सीरीज़ जो है, मैं इस व्लॉग के बाद फिर कंटिन्यूज़ होंगी, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने पूरा, मेरा भी ख़त्म नहीं हुआ है टूर, तो मैंने काफ़ी सारी शूटिंग्स वगैरह करी थी। तो ये चीज़ थी, तो बस आपको बोलना था, शब बरात की मुबारकबाद देनी थी। और मैंने कोई हलवा वगैरह नहीं बनाया है, मेरे यहाँ पे बहुत लोगों ने दिया है हलवा। और मैंने पहले आपको बताया कि मेरे ससुराल में ये सब चीज़ें नहीं चलती। मैंने आसू जी से पूछा, तो आसू जी ने कहा कि नहीं आज नहीं बनाओ, आप कल आप रोज़ा रखोगी, अफ्तार में आप हलवा बांट देना सबको, तो वो चीज़ कर लेना, बट आज हलवा मत बनाओ। तो इस वजह से मैंने हलवा नहीं बनाया। बाकी मेरा नमाज कुरान चल रहे हैं, तो मेरा अभी, मेरे को तो करना था अपना कुरान पूरा,
बट वो नहीं हो पाया, तो उस वजह से मैंने ये कुरान खानी रखी थी जो कि वो आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो मैंने कुरान खानी करी थी, उसमें बनाई थी बिरयानी और सबको खीर, तो कुरान पूरा करवाया था एक, तो इस वजह से सब करवा लिया मैंने और हमारी खुद की इबादत भी चल रही है। और कल का हम रखेंगे रोज़ा, तो आपको ये पूरा वीडियो शबे कदर के लिए मिलेगा और ये वीडियो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल रात तक, नहीं तो परसों सुबह मॉर्निंग में डलेगा। और मेरे वीडियोस इसलिए लेट आ रहे हैं, आप लोग बुरा मत मानिएगा, मेरे वीडियोस इसलिए लेट आ रहे हैं क्योंकि मेरी एडिटिंग पूरी हो जाती है लेकिन मुझे जो पब्लिश करना होता है ना वो अभी नहीं आता, तो वो आसिफ जी करते हैं और आसिफ जी की टाइमिंग ऐसी हो गई है, सुबह 12 बजे जाते हैं वो और रात को 9:30 बजे तक घर आते हैं वो, तो सुबह 12 बजे जब तक हस्बैंड नहीं जाते तब तक यही रहता है, बच्चों को ट्यूशन भेजना है, सिपारा पढ़ने के लिए भेजना है, नहलाना धुलाना, लिपिश लगा देने, लिपिश लिपिश पापा मारेंगे, तो ये सब रहता है तो टाइम नहीं मिल पा। मैं अपना काम करती रहती हूँ बट मेरा वीडियो का बहुत स्लो, उसका पता नहीं क्या हो गया, फंक्शन चल रहा है, डाटा वाटा क्या मुझे नहीं समझ में आती थी चीज़ें, इस वजह से मेरे वीडियोज़ जो है ना बन बनाए होते हैं, बस पब्लिश करने के लिए आसिफ जी का वेट करना पड़ता है। तो जब वो आते हैं रात को खाना वाना खा के, जब वो रिलैक्स हो जाते हैं, मैं फिर उनको बोलती हूँ कि आज मेरा वीडियो पब्लिश कर दो। इट्स सब में सम टाइम ऐसा होता है कि आसिफ जी सो जाते हैं और सम टाइम ऐसा होता है कि मेरा वीडियो पूरा नहीं हो पाता है, तो इसलिए लेट हो रहा है। पहले का शेड्यूल जो था वो 7 बजे घर आ जाते थे, तो इस वजह से मेरे वीडियोस आराम से आ जाते थे। अब जो है मेरे वीडियोस इसलिए लेट आ रहे हैं, रात को 9:30-11 बजे तक इसलिए आ जाते क्योंकि हस्बैंड को टाइम के अकॉर्डिंग। मैं सीख रही हूँ, आप लोगों की मोहब्बत ने मुझे इतना सब कुछ सिखा दिया तो ये वीडियो पब्लिश करना क्या है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो भी मैं बहुत जल्दी सीख लूँगी और फिर आपसे मिलूँगी। तो बस यही कहना था, और आधी शूटिंग तो मैंने अब कर लिया, अब करूँगी कल मैं अफ्तार में क्या बनाती हूँ वो सब भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आपसे मुलाकात होगी फिर कल, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं खाने पे। तो खाने में मैंने बनाया था कीमा, आलू और रोटी और सैलड था, और ये फ़िश थी तो मैंने नहीं बनाई थी, ये नज़मा जी ने बनाई थी, तो उन्होंने भिजवाई थी मेरे लिए फ़िश, तो फ़िश भी खा रहे हैं हम लोग। इतना कुछ नॉनवेज था, और कीमा आलू में थोड़ा सा ऑयल जो है ना वो ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने ठीक से चला के नहीं लेकर आई थी, मैं साइड से ऐसे निकाल लाई थी अपने लिए खाना, क्योंकि आसिफ जी को खाना नहीं था, उन्होंने कहा मैं लेट से खाऊँगा, तो इसलिए फिर मैंने अपने लिए खाना निकाल लिया। अच्छा जी, तो ना खाना खाने के बाद, ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद, आसिफ जी लेकर आए थे बच्चों के लिए कैंडल और बच्चों ने लगानी थी कैंडल, तो यहाँ पर इनायत जला रही हैं कैंडल, तो बड़ी प्यारी लग रही थी। और शबे बारात पे अच्छा लगता है घर को डेकोरेट करो, बच्चे कर लेते हैं, हम भी छोटे थे तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता था अपने घरों में कैंडल लगाना, हम अपने पूरे घर के अंदर कैंडल्स से डेकोरेशन करा करते थे। तो बस ये चीज़ें, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी हमारी इबादत और पूरी रात जगे हैं कंटिन्यूसली बिना कमर टिकाए। तो बस आज अब हालत इतनी ख़राब हो गई है ना मेरी, अब रोज़ा रखने के बाद अभी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं खड़ी हो जाऊँ या कुछ काम कर लूँ। तो वॉइस ओवर मैं दे रही हूँ आपको, ये कल की क्लिपिंग थी, वॉइस ओवर मैं आज दे रही हूँ। और बस ऐसे ही हमारी शबे बारात कटी थी, बहुत ही अच्छे से इबादत करी थी और दिल खुश हो गया था अपनी, मतलब सुकून सा मिला था। और आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने वही निफली नमाज, सिरातुल तस्बीह की नमाज़, कुरान और तौबा की रात थी, तो जितनी तौबा हो सकती थी उतनी अल्लाह ताला से तौबा करी है और सबके हक़ में दुआ करी है मैंने, मेरे मौला सबकी जायज़ तमन्ना पूरी करे। तो इनायतू भी हमारे साथ पूरी रात जगी थी, पूरी रात मेरा बच्चा मेरे साथ जग के जो हम पढ़ रहे हैं वही इनायत ने भी पढ़ा था, और बहुत ही अच्छा लगा था। इनायत इतनी बड़ी हो गई है कि हमारे साथ अब पढ़ाई में शामिल होती हैं, हर त्यौहार में वो हमारे साथ पार्टिसिपेट करती हैं। अल्फिया भी छोटी हैं, अल्फिया को भी नहीं पता कि और क्या नहीं, अल्फिया की तो अपनी एक अलग ही दुनिया चल रही है। तो बस आप लोग बताइएगा आपको ये वाला वीडियो कैसा लग रहा है अभी तक का, और जो सीरीज़ है वो टू बी कंटिन्यू होगी इस वीडियो के बाद, क्योंकि अभी रहता है मेरा आगरा का बहुत सारा माल मसाला जो कि मैं आपको बताऊँगी और दिखाऊंगी। अरे नायत आपको हंस हंस के दिखा रही है, अलग अलग फेस बना रही थी, मामा मेरा ये वाला फेस देखो, वो वाला फेस देखो, मुझे तो हर उसमें क्यूट लगता है, होता है ना माँ को अपना बच्चा हर शक्ल में हर हाल में प्यारा ही लगता है, चाहे वो बिना नहाए धोया हो लेकिन अच्छा ही लगता है। उसी तरीके से हमारा भी ये हाल है, और सर में बहुत दर्द हो रहा है भाई साहब, बहुत दर्द हो रहा है, बस वीडियो पहुँचाना है इसलिए अपना काम भी बहुत।
अच्छा जी, तो अब टाइम हो चुका है, 2 बज रहे हैं रात के और मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। आसिफ जी जो होते हैं हमारे सामने रेंटर पे रहते हैं, उन्होंने जमात का इंतज़ाम करा था, तो छत के ऊपर 4-5 लोगों की जमात हो गई थी, तो इन लोगों ने वहीं पर अपनी नमाज़ें अदा करी थी, निफली नमाज, तौबा की नमाज, रातुल तस्बीह की नमाज़ सबको। आसिफ जी ने ही पढ़ाई थी क्योंकि वहाँ पर उन्होंने कभी ज़िंदगी में रातुल तस्बीह की नमाज़ नहीं पढ़ी थी उन बच्चों ने, तो आसिफ जी ने सामने आंटी के बच्चों को रातुल तस्बीह की नमाज़ भी पढ़ाई थी। तो कल का रात जो थी वो बहुत ही अच्छी और सुकून से भी थी, हमारी इबादत बहुत अच्छी हो गई थी। फिर आसिफ जी को मैंने यहाँ बुला लिया था क्योंकि बच्चे सो चुके थे, तो आसिफ जी को थोड़ी सी नींद भी आ रही थी, तो कहने लगे चाय हो जाए, तो मैंने कहा ठीक है आप आ जाओ मैं भी पी लूँगी, मेरे को भी बहुत नींद आ रही थी, और मैंने कहा आप भी पी लेना। और मुझे पढ़नी थी सिरातुल तस्बीह की नमाज़, तो वहाँ टाइम लगता है 1-1.5 घंटा लगता है, तो मैंने कहा कि आप आराम से यहाँ पर अल्फिया को लेकर लेट जाओ, क्योंकि अल्फिया बार बार उठ रही थी ना, तो इसलिए तो मैंने कहा मैं जब तक अपनी सिरातुल तस्बीह की नमाज़ पढ़ लूँगी और फिर उसके बाद आप चले जाना। कहने लगे ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने चाय पी, उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो गई थी, तो चाय मैं बनाती हुई आपको नजर आ रही हूँ। बात तो मैंने दो बज रहे हैं और मेरा पारा जो है मुकम्मल हो चुका है, आज का पारा आज ही मुकम्मल। देखो जी, इन्होंने पापा से जगने के लिए अपना राशन पानी मंगवाया था कि पापा आज हमें पूरी रात जगना है, तो ये तो मैं अभी फ्रिज में से निकाल के लेकर आई हूँ, सिर्फ 3 पैकेट्स ऐसे, अभी काफ़ी सारे पैकेट्स आसिफ जी ने ला दिए थे, बहुत सारे पैकेट्स पापा ने ला दिए थे, ये तो अभी मैं कुछ निकाल के लेकर आई हूँ, अभी और भी रखे हुए, तो थोड़ा चाय से सुस्ती हटा लें और फिर पीते हैं अपना, फिर इबादत में लग जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, तो अब बारी है हमारे सहरी की, सहरी में बज रहे हैं 4 और 4 बजे मैंने बना लिया था, रात का सालन था, चाय थी, ब्रेड थी, रोटी थी, बस यही था हमारा आज के सहरी। और उसके बाद मैं सो गई थी, सोने के बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करा था, डायरेक्ट फिर मैंने जो वीडियो शूट करा था वो था हमारा अफ्तार का, इसके बाद आपको डायरेक्ट मेरा दस्तरखान दिखेगा अफ्तार का। अफ्तार में जो मैंने बनाया था मैं आपको बता देती हूँ, मैंने बनाए थे पकौड़े और लेट हो गया था मुझे बनाते बनाते, तो इस वजह से हमने अफ्तारी भी बहुत जल्दी से, जब वो खाते खाते ही मतलब बनाते बनाते ही मेरी अफ्तारी हो गई थी, तो मैंने खा लिया था तभी, अब हम सुकून से चाय बना के बैठे। तो गाइज, अब है अफ्तार का टाइम और 7:30 होने वाले हैं, और हमें आज थोड़ा सा लेट हो गया था बनाते में, तो रोज़ा हमने बनाते बनाते में ही खोल लिया है, बस अब हम जा रहे हैं अफ्तार करने के लिए फाइनली, अब आराम से बैठ के खाएंगे और क्या करेंगे, अफ्तार टाइम तो निकल गया था। तो बस यहीं तक का था आज का मेरा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा शबे बरात का व्लॉग, तो लाइक कर देना, शेयर सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, बस अब आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबा मेरा वीडियो गया। आप हो, आप कुछ नहीं कहोगे, आपके फेवरेट हैं पापड़, आपको अपने पापड़ ये फिनिश कर लिए, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।